हेलो, दिस इज़ सोनिया फ्रॉम करियर फोकस गवर्नमेंट जॉब्स। मैं कंप्यूटर की फैकल्टी हूँ करियर फोकस में, करियर फोकस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जो जीवल में है, रविदास के। कंप्यूटर वैसे तो आपको बड़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, बड़े टीचर्स हैं कंप्यूटर फैकल्टी के, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कंप्यूटर की फैकल्टी या वीडियो या किसी भी टॉपिक पे ढूंढना। बट अगर पढ़ाया हुआ आपको एग्ज़ाम में ही नहीं आए तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं, है ना। सो, हम देख रहे हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स, जो भी पेपर्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको प्रॉपर पूरा स्टडी करके वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली है। और जैसे आप देख रहे हैं, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है नाउडेज जिसकी डिमांड बहुत है। पहले तो 10 मार्क्स का आता था कंप्यूटर, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम्स देखे, जैसे जूनियर असिस्टेंट है 20 मार्क्स का कंप्यूटर, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में अब कंप्यूटर की वेटेज ज़्यादा हो रही है, कंप्यूटर और इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा हो रही है। सो, उस लिहाज से कंप्यूटर के क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। सो विदाउट यूजिंग एनी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई विल स्टार्ट, ठीक है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये जो जैसे एग्ज़ाम्स है, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, किसी में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, या किसी में यूजेस ऑफ इंटरनेट है, किसी में कम सिलेबस है, किसी में ज़्यादा। बट ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पेपर में, जिसमें भी आपका कंप्यूटर का सिलेबस ऐड है उसमें सब आएगा ये, वो सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें भी कंप्यूटर है उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होगा ही होगा। बिकॉज अगर एक स्टूडेंट को बेसिक ही क्लियर नहीं है तो उसको आगे के सी प्लस या फिर फंडामेंटल्स या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब कैसे क्लियर होगा, ठीक है। सो, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आज तो वैसे हम ज़्यादा स्कोप चल रहा है SI का, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर SI। सो हम पहले थोड़ा सा, ये हमारा पहले थोड़ा सा SI का सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है, सिलेबस फॉर SI। अब SI में आपको इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हम SI के सिलेबस के हिसाब से भी चलेंगे, JKSSB में जितने एग्ज़ाम हैं सबके सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। जूनियर असिस्टेंट हो गया, अभी जैसे स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, SI के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम सभी के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। SI के तो सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं, सो ये सारे टॉपिक बीच में ही कवर हो जाएंगे। जैसे मतलब कि हम जूनियर असिस्टेंट का करें तो थोड़ा ज़्यादा है, अकाउंट असिस्टेंट का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो ये टॉपिक सारे बीच में ही कवर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। किसका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। सो, अगर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर, ठीक है ना। सो, जो हमारा वर्ड कंप्यूटर है, बेसिकली ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन कौन से वर्ड हैं वो? कंप्यूट प्लस ER। जो हमारा वर्ड कंप्यूटर है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, कंप्यूट प्लस ER, जहाँ पे कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट और ER का मतलब है डिवाइस। सो बेसिकली वर्ड कंप्यूटर का मतलब है अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, और अ डिवाइस विच कैलकुलेट इज कॉल्ड कंप्यूटर, ठीक है। वो डिवाइस जो कैलकुलेशन करता है, जो कैलकुलेट करता है, उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। इतना सबको क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैलकुलेट में जरूरी नहीं कि हमारे सिर्फ कैलकुलेशन मशीन्स आते हैं, कैलकुलेटर भी हमारा कंप्यूटर है, TV, iPads जो भी हैं जिनमें हम इनपुट देते हैं, इनपुट हमारी प्रोसेस हो रही है और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। जिनमें भी ये 3 स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है। जैसे ये देखो, हमने मेंशन किया हुआ है कैलकुलेटर भी हमारा कंप्यूटर है, iPads, कैलकुलेटर, TV, ये सब हमारे कंप्यूटर है। सो जिसमें भी हमारे ये 3 स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इनपुट हो रहा है, ठीक है,
उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा है. अगर हम इनपुट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रोसेसिंग होगी. उसके बाद हमें डिजायर्स रिजल्ट मिल रहे हैं, रिजल्ट मिला हमें कोई ना कोई, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैलकुलेटर ही ले लेते हैं, हमने उसमें नंबर ऐड किए 2 + 2, प्रोसेसिंग हुई, रिजल्ट मिला हमें 4. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो हम प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से कंप्यूटर को पढ़ते हैं, समझते हैं. अब क्या है डेफिनेशन कंप्यूटर की? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट रिसीव्स इनपुट, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट रिसीव्स इनपुट स्टोर्स और प्रोसेस. अब इन वर्ड्स पे आप ज्यादा ध्यान देना, स्टोर्स और प्रोसेस द इनपुट. स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, या फिर यहां स्टोर करेगा या प्रोसेस करेगा एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शन. इस पे क्लियरली ध्यान देना, एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शन. अब हमने जो डाटा डाला, जैसे ले लो आपके पास फोन है, आपने कोई नंबर डायल किया, अपनी फ्रेंड का नंबर डायल किया या पेरेंट्स का नंबर डायल किया, ठीक है. अब आपने वो नंबर डायल किया, अब ये अप टू यू है, मतलब ये आपके ऊपर है कि आपने उस नंबर को डायल करना है या फिर सेव करना है, मतलब उसको कॉलिंग लगानी है या सेव करना है, या फिर कॉलिंग लगाने के बाद सेव करना है. ये देखो क्लियरली मेंशन है, स्टोर्स और प्रोसेस द इनपुट एज पर द यूजर्स इंस्ट्रक्शन. जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही कंप्यूटर है वो वर्क करेगा, वैसा ही हमारा मोबाइल वर्क करेगा. हमें नंबर मिलाने के बाद सेव करना उसको, या फिर उसको हमें स्टोर करना है, वो हम पे है. फिर उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर हमने नंबर डायल मिला दिया तो हमारी कॉलिंग लग जाएगी, अगर हमें सेव कर दिया तो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो जाएगा, हमें डिजायर फॉर्मेट्स में रिजल्ट मिल जाएंगे, बस इतना ही. ठीक है आगे हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं. जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर थे चार्ल्स बैबेज. ठीक है, चार्ल्स बैबेज कौन थे, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, और हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे, हमारे फादर, रुको मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, फादर ऑफ कंप्यूटर थे हमारे, एक मिनट, फादर ऑफ कंप्यूटर थे हमारे चार्ल्स बैबेज. आप इसको साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है, चार्ल्स बैबेज थे हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, और हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे, हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे एलन ट्यूरिंग. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है इतना सबको. आगे प्रोसीड करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम वर्ड कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूटर COMPUTER. ठीक है, अब JKSSB हमने नोटिस किया कि बीच बीच में से क्वेश्चन JKSSB है या कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले, कुछ भी पूछ सकते हैं. अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कंप्यूटर की, बाय द वे जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन वर्ड कंप्यूटर व्हाट इज टी स्टैंड फॉर, व्हाट इज ई स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, सी स्टैंड, कुछ भी हो सकता है ना. सो हमारे वर्ड कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, मशीन ठीक है, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्चिस, एजुकेशनल रिसर्चिस. ठीक है, क्या है हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्चिस. ठीक है, गॉट इट, इतना यहां तक सबको क्लियर है. आपको लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक सबको पता होता है. आई नो कि इतना बेसिक सबको पता होता है, बट इतना बेसिक भी उसको पता होगा जिसका कंप्यूटर बैकग्राउंड था या फिर जिसने कंप्यूटर की स्टडी की है, इससे पहले कोई एग्जाम दे लिया है, बेसिक पढ़ लिया थोड़ा बहुत. अब जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, जिन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया, भाई सबको देख कर चलना है ना, हमें सबको साथ लेकर चलना है.
बेसिक क्लियर होगा तभी सबको आगे आएगा, ठीक है। हमें सबको अपने साथ लेकर चलना है, अकेले कोई भी आगे नहीं जा सकता है, समझ आ गई। अभी हमने पढ़ा कि हमारे क्या बोलते हैं कंप्यूटर के फादर कौन थे, चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, सबको पता भाई चार्ल्स बैबेज। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये किसी किसी को पता होगा, एलन ट्यूरिंग। कौन थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। अब हमने बोल दिया फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग, अलग अलग क्यों हुए दोनों भाई बताओ ना। कंप्यूटर में और मॉडर्न कंप्यूटर में डिफरेंस होगा तभी तो दोनों ने अलग अलग इन्वेंशंस की, नहीं तो अगर कंप्यूटर भी सेम है मॉडर्न कंप्यूटर भी सेम है तो फिर इनका फादर भी सेम होना चाहिए ना। मतलब कि कंप्यूटर में और मॉडर्न कंप्यूटर में देर इज सम डिफरेंस, देर इज सम डिफरेंस ना, तभी तो दोनों के इन्वेंटर्स अलग हैं, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड अ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। सो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर उस डिवाइस को हम बोलते हैं जो सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था, आई समझ, जो सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था, लाइक कैलकुलेटर्स हो गए, ठीक है, जो सिंपल, जहाँ सिंपल कैलकुलेशंस होती थी या फिर इनपुट प्रोसेस होता था, ठीक है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब जिसमें सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती थी उसको क्या हम बोलते थे, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर बोलते थे हम उसको, ठीक है। क्योंकि पुराने ज़माने में अब हमारे साइंटिस्ट हैं भाई, फ्री बैठने वाले नहीं हैं, कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग खुद भी कर सकता था, बट उनको कोई ना कोई डिवाइस चाहिए था अपना कैलकुलेट करने के लिए, ताकि प्रोसेस फास्ट हो, ह्यूमन नीड कम हो, मशीन्स पर डिपेंडेंस हो, ठीक है। अब मॉडर्न कंप्यूटर क्या है, ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, डिवाइस विच परफॉर्म कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी हो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अब मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोलते हैं, फर्क है ना, मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं हमारे आजकल के कंप्यूटर्स, ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाउडेज हम यूज़ कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि जनरल प्रोसेस सारे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ब्राउजिंग यूज़ कर रहे हो, ऐसा कोई भी डिवाइस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न ऐप्स जो जिसमें कि अर्थमेटिक से ज़्यादा करता है, जो कैलकुलेशन से हमें बहुत ज़्यादा देता है, उसे बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर। लाइक डाटाबेस मैनेजमेंट, आजकल देख रहे हैं आप, मतलब एक महीने बाद बारिश हो, 10 दिनों बाद बारिश हो, हमें पहले पता चल जाता है, वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि इतनी दिन बाद बारिश आएगी और कितनी बारिश आएगी भाई, ये भी पता चल जाता है हमें। मौसम खराब होगा, सनी होगा या फिर क्लाउडी सनी होगा, स्नोफॉल की प्रेडिक्शंस, अर्थ क्यों कितना आया, कितने सेंसेस का आया, उसका एपी सेंटर कहाँ पे है, आजकल तो पंडित भी कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, पंडित भी अपनी एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स। हम जैसे करियर फोकस की हमारी ऐप है करियर फोकस पोर्टल, उसमें प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वो किसकी फॉर्म है भाई, वो भी मॉडर्न कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, समझ आया। आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर किसके किसको ऐड करके बना है, मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कंबाइन होते हैं तभी बनता है हमारा कंप्यूटर का प्रॉपर सेटअप। अगर हम सिर्फ हार्डवेयर लगा देंगे, कीबोर्ड लगा दिया, मॉनिटर, उसके अंदर सिस्टम नहीं हुआ, मदरबोर्ड नहीं हुआ, उसके अंदर हमारी प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं हुई, वो चलेगा, वो वर्क करेगा नहीं भाई, वो डब्बा है, डब्बा, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। सो कंप्यूटर बना है हमारे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से, किससे बना है कंप्यूटर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर हमारा बना है, ठीक है। अब हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होंगे, टेंजिबल डिवाइसेस, ऑल टेंजिबल डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, ओके, टेंजिबल डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रॉपर टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, हमारा माउस हो गया,
हमारा माइक्रोफोन हो गया, हमारा लाइट पेन हो गया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। समझ आ गई? आ गया हमारे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। अब सॉफ्टवेयर क्या हो गया? नॉन टेंजिबल, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, यूज करने के लिए। कंप्यूटर को हम फील कर सकते हैं, ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर, हमारे प्रोग्राम्स हो गए, हमारी एप्स हो गई, हमारे एंटीवायरस हो गए, हमारी गेम्स हो गए जो आप खेलते हो, वो किसकी एग्जांपल है? वो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है, उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर वो हमें एक ऐप के रूप में या फिर एक सॉफ्टवेयर के रूप में, गेम्स के रूप में, एंटीवायरस के रूप में हमारे हमें शो होते हैं। उनको हम टच नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट हार्डवेयर, दे आर नॉट टेंजिबल, दे आर नॉन टेंजिबल। समझ आ गई? अब हमने बोल दिया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डिटेल में मैं आपको डिस्कस करती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? मैंने बताया ना कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नॉन टेंजिबल है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? बेसिकली इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरफेस है, मीडिएटर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वो मीडिएटर है। समझ आई? मीडिएटर समझते हो ना? व्हाट डू यू मीन बाय मीडिएटर? बोल दिया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम मीडिएटर है, इसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में और यूजर के बीच में, मेरे बीच में और कंप्यूटर के बीच में। मैं क्या बोलूँगी भाई कंप्यूटर को? मुझे चाहिए ये चाहिए, मेरे को वो खोलना है। उसको कैसे पता चलेगा कि ये खोलना है वो खोलना है? कैसे पता चलेगा? उसे मेरी लैंग्वेज थोड़ी ना आती है, या फिर जो उसे लैंग्वेज आती है वो मुझे थोड़ी ना आती है। मेरे को मशीन लैंग्वेज नहीं आती, उसको ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है इंटरफेस। हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं कुछ भी, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम सर्च इंजन, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर, उस पर हमने कुछ भी टाइप किया, कोई भी वेबसाइट टाइप की, सोचो जैसे समझो हमने कोई सॉन्ग सर्च करना किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस लैंग्वेज को, करेक्टर्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो हमने भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो हमें सर्च करना, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो वो चीज़ कंप्यूटर को समझ आएगी, फिर वो उसको आउटपुट किसको देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से उसको क्या करेगा? अल्फाबेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमें एज अ आउटपुट शो होगी, हमारी लैंग्वेज में समझ आएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? परमानेंटली इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है। जैसे कि आप लैपटॉप्स में ले लो, विंडो हो गई, परमानेंट होती है ना, री इंस्टॉल्ड होती है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। हमारा iOS वर्जन हो गया, iPhones में री इंस्टॉल्ड होता है, Android में Android होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, नहीं कर सकते हम उसको इरेज। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया इतना? ऑपरेटिंग सिस्टम तक समझ आ गया? ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आ गया है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसके क्या क्या फायदे हैं हमें, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो ह्यूमन से कहाँ कहाँ से बेटर है कि हमें उसकी नीड पड़ी। ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं? अब कैलकुलेशंस हम नहीं कर सकते थे, 2+2 4, 15+15 13, कर सकते थे ना कैलकुलेशन हम स्पीड में? इतनी तो स्पीड में होगी। अब आगे मैं बोलूँ आपको 2700+3053, करो भाई पेन कॉपी लाओ, कैसे करोगे? नहीं होती है। विद इन अ सेकेंड्स करता है कंप्यूटर, विद इन अ सेकेंड्स। हमें कहीं ना कहीं उसकी नीड महसूस हुई, तभी ना जाकर हमने उसको अडॉप्ट किया, तभी ना जाकर हमने उसको इन्वेंट किया। ऐसे कैसे हम उसको इन्वेंट करते जब तक ह्यूमन नेचर है भाई, मतलब ही लोग, तब तक हम
कोई भी चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं जब तक कि हमें उसकी जरूरत महसूस ना हो। हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी तभी हमने उसको इन्वेंट किया। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पीड। ठीक है, हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड। कंप्यूटर नियर अबाउट 3.4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को विद इन अ सेकेंड्स परफॉर्म कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए परफॉर्म करना या इतनी स्पीड में उसको रन करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी स्पीड देता भाई कंप्यूटर। हमारी आजकल की लाइफ डिजिटली हो गई है, टोटली डिपेंडेंट हो गई है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, हम चाहे भी तो अब देखते हो ना, 10 मिनट के लिए मोबाइल फोन ले लो आपसे, होश उड़ जाते हैं, ऐसे लगता है वर्ल्ड पूरा ब्लैंक हो गया, ब्लैक एंड वाइट। नहीं भाई, हम नहीं रह सकते हैं कंप्यूटर के बिना, नहीं रह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बिना, नहीं रह सकते हैं डिजिटली के बिना। सो कंप्यूटर हमें इतनी स्पीड देता है कि हम उस पर डिपेंडेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का, क्या? स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी, कंप्यूटर आपको 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, डिपेंड्स अपॉन योर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर गलत हो ही नहीं सकता है, उसको इतनी एक्यूरेसी से उसकी प्रोग्रामिंग की होती है कि उसको एक्यूरेट रिजल्ट्स देना ही देना है। भाई साहब, अगर आप उसको गलत इंस्ट्रक्शंस भी दे दोगे ना, अगर उसको आप गलत क्वेश्चन भी उसमें डालोगे ना, वो आपको गलत क्वेश्चन के हिसाब से ही सही आंसर देगा, बट आंसर एक्यूरेट देगा। सो हाई एक्यूरेसी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट करेक्टर है उसका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स सेम हो गया, यू कैन ट्रस्ट कंप्यूटर। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट योर टेक्नोलॉजी, यू कैन ट्रस्ट योर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। अगर आपने कोई मतलब कुछ उसमें सेव किया तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपकी एक्सटर्नल इंटरफेयर के बिना उस चीज़ को नहीं वो करेगा। ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हो कि आपने जो टाइप किया, जो सेव किया, वो बीच में ही रहेगा। आपने जो क्वेश्चन पूछे उससे वो उसका सही आंसर ही देगा, मतलब ट्रस्टेबल है। ह्यूमन नहीं है, मशीन है, ट्रस्टेबल है। ठीक है, उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सीक्रेसी, मतलब प्राइवेट। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको डाली है उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी देगा आपको। ठीक है, आजकल लॉगिन्स आ जाती हैं आपके प्रॉपर गूगल जीमेल अकाउंट्स, आप लॉगिन करते हो, बिट लॉग सेफ लॉग्स रखते हो, सो प्रॉपर सिक्योरिटी देता आपको कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टाइप है और कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटैलिटी। क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक? वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मीन, यू कैन से दैट वर्सेटैलिटी मीन्स कि हम उसको एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कंप्यूटर को जनरल वे में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर को रेलवेज में भी यूज़ करते हैं ना, टिकट बुकिंग के लिए। आजकल तो रेलवे सिस्टम ऑनलाइन हो गया, किसकी हेल्प से हुआ? पहले तो प्रॉपर टिकट्स कटती थी, जाओ। आजकल क्या हो रहा है भाई? ऑनलाइन टिकट काटो, जाओ रिजर्वेशन करवाओ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। प्लेन्स में यूज़ हो रहा है, एयरपोर्ट्स पे टिकट्स की जगह, बैंक्स में यूज़ हो रहा है, और तो और एस्ट्रोनॉमी में यूज़ हो रहा है, हम घर में यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल एज अ पीसीज यूज़ हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस में यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा है, बिजनेस कंपनीज में यूज़ हो रहा है, हर जगह। ये होती है वर्सेटैलिटी, कि आप सेम मशीन को डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्सेटैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ गई आपकी हमारी डिलिजेंसी। What do you mean by diligence? हाँ जी, diligence means human है ना, कितने घंटे काम कर पाएगा? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदा फिट है तो, अगर उसका स्टेमिना ज़्यादा तो 7 घंटे, 8 घंटे। इससे आप जितना मर्जी काम करवाओ भाई साहब, करेगा ये, बस इसको पावर सप्लाई मिलनी चाहिए पीछे से, थकता नहीं है। ये होगी इसकी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? डिलीजेंसी। समझ आया? नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है पावर एंड प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, इसमें वो हमारी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है। आपने कौन सा कंप्यूटर लिया, उसमें कैसी प्रोग्रामिंग हुई है? वैसे तो आजकल सभी बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं, ठीक है,
सब कुछ होता है इंस्टॉल, खोलो। अब ये तो है नहीं कि आपको उसमें गूगल सेटअप करना पड़ेगा, खोला सीधा गूगल पे क्लिक किया, सर्च किया, सिर्फ आपको प्लग करना और यूज़ करना, ये फैसिलिटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको उसका करेक्टरिस्टिक होगा स्टोरेज कैपेसिटी। हम ले लेते हैं पुराने कंप्यूटर्स हैं, जैसे ओल्ड कंप्यूटर्स होते थे बड़े बड़े कमरे जैसे, हम आगे पढ़ेंगे वो जनरेशन पढ़ाएंगे, जब आपको कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसमें हम डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक तो उनका साइज़ ही बड़ा होता था और वो क्या करते थे, स्टोरेज कैपेसिटी भी कम देते हैं। आजकल जैसे होता जा रहा है कि साइज़ कम होता जा रहा है, बट उसकी जो अंदर की स्टोरेज है, जो स्टोर कैपेसिटी है, डाटा स्टोर, हम कितना याद रखेंगे, कितने नोट्स लिख के रखेंगे। आजकल तो पैड्स में, आईपैड्स में नोट्स आ रहे हैं, कुछ भी स्टोरेज कैपेसिटी, वीडियोस, पीडीएफ्स, आप जैसे आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पढ़ रहे हो, वो सब क्या देता है, कंप्यूटर देता है। हार्ड डिस्क लाओ, अगर इतनी भी आपने बड़ा ज़्यादा स्टोर करना, हार्ड डिस्क लाओ, कितने की मिल जाएगी, 1 TB की, 5 TB की, 10 TB, जितने की मर्जी लो। सो कंप्यूटर क्या आपको प्रोवाइड करता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। बाहर का तो हमें सिस्टम पता है, अब उसके अंदर का सिस्टम भी हम बताएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं बेसिकली, कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट, इनपुट देते हैं हम। ये इनपुट में हम क्या देते हैं, डाटा। इनपुट पे हम क्या देते हैं, डाटा। ये डाटा हमारा कौन सा डाटा होता है, अनऑर्गेनाइज डाटा, मतलब ये हमारे किसी यूज का नहीं होता। अगर ये हमारे किसी यूज का होता तो ये मतलब हमारी आउटपुट ही होती, हमें इसको इनपुट क्यों देना है। हम ये इनपुट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहिए, ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहिए ना, तभी हम इनपुट देते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज डाटा होता है, ठीक है। जैसे ही हम इनपुट देते हैं, इनपुट सबसे पहले कहाँ जाती है भाई, सबसे पहले जाती है ये हमारी मेन मेमोरी में, हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं इसको, बोलते हैं मेन मेमोरी में। यहाँ पे ये टेम्परेरी स्टोर्ड होती है, मेन मेमोरी में जाती है हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं CU, इसको हम बोलते हैं MU, मेमोरी यूनिट और मेन मेमोरी, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट का अब हमारा क्या काम है कि ये CPU के अंदर की, CPU समझो क्या है, बचपन में सबने पढ़ा हुआ, फुल फॉर्म ऑफ CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब CPU के अंदर का ये फंक्शनिंग है ALU, CU और मेन मेमोरी, ठीक है। ये तीनों मिलकर काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तभी हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है आउटपुट, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक है। क्या मिलता है हमें आउटपुट, क्या मिलता है हमें, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, इनपुट डाली हमें आई मेन मेमोरी में, अब मेन मेमोरी ने देखना इसको किस कहाँ भेजना है, CU, कंट्रोल यूनिट। ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल करता है, CU अर्थमेटिक में भेजना या मेन मेमोरी में या कुछ और करना। अब ये देखेगा कि जो कैलकुलेटिंग कैलकुलेशंस वाली चीज़, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, हमारे अर्थमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, अर्थमैटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशंस। अब अर्थमैटिक ऑपरेशंस कौन से हो गए, वो तो आपको सबको पता है, अर्थमैटिक ऑपरेशंस हो गए प्लस माइनस, डिवीजन, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, कुछ भी हो गया, इसको बोलते हैं अर्थमैटिक ऑपरेशंस। अब क्या हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होंगे भाई, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू हो गया, हमारे नैंड गेट होते हैं, एंड गेट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लॉजिकल ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट देखेगा जो भी चीज़ें हमारी कैलकुलेट करने वाली होंगी वो किस कहाँ भेजेगा, ALU में भेजेगा, बाकी उसको जो भी कंट्रोल करना है करेगा।
आउटपुट डिजायर आउटपुट, जैसे हमने 15 प्लस 15 लिया, 4 प्लस 4 लिया, क्या आया 8, ये क्या हो गया हमारा आउटपुट हो गया, क्या हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी की हमें जरूरत है, ठीक है। आगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिस्कस बूटिंग, ये JKSSB में एग्जाम में आया हुआ था, पंचायत में बूटिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ था, तो हमने सोचा कि ये भी आपको मतलब बेसिक्स में ही पढ़ा देते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है बूटिंग, क्या समझते हो बूटिंग से, क्या समझते हो कमेंट्स में बताना, बूटिंग से क्या समझते हो, मैं पढ़ाऊंगी वो तो पढ़ाऊंगी, आप अपनी तरफ से क्या समझते हो वो कमेंट्स में बताना, बूटिंग से क्या समझते हो, ठीक है। बूटिंग क्या हो गया हमारा, स्टार्टिंग कंप्यूटर, हमारा फोन ऑफ पड़ा है, सिस्टम ऑफ पड़ा है, ऑन किया क्या हुआ बूटिंग, स्टार्टिंग अप ऑफ सिस्टम उसको क्या बोलते हैं बूटिंग, स्टार्टिंग अप ऑफ सिस्टम को बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। बूटिंग किसको बोलते हैं हम, स्टार्टिंग अप ऑफ सिस्टम को बूटिंग बोला जाता है। अब बूटिंग के हमारे 3 स्टेप, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया बूटिंग, अब ये कंप्यूटर स्टार्ट होते होते इसमें भी प्रॉपर 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया आपका, स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई, आपने अपना फोन ऑन किया या आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस, जब तक ये लोड नहीं होगा हम कैसे अपनी इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे, कैसे फोन यूज कर पाएंगे, कुछ भी कैसे यूज कर पाएंगे, हमारा लोडिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, कीपिंग ऑल एप्लीकेशंस इन रन, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है वो हमारी एप्लीकेशंस को मतलब रेडी टू यूज रख देता है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया खुल गई, यूट्यूब पे क्लिक किया खुल गई, वो ऐसा उनको सेटअप करता है, ये प्रोसेस विद इन अ सेकेंड्स होता है, फास्ट होता है, उनको रेडी टू यूज रखता है ताकि हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करें वो चीज़ क्या करे रन हो जाए, ठीक है, ठीक है ना। आगे इतना हो गया बूटिंग का, अब आगे आ जाता है हमारा रीबूटिंग, स्टूडेंट्स रीबूटिंग आता है अब आगे हमारा, ठीक है। रीबूटिंग क्या हो गया, बूटिंग पढ़ा स्टार्टिंग अप ऑफ कंप्यूटर, रीबूटिंग टू स्टार्ट अगेन, बूटिंग में और रीबूटिंग में सिर्फ इतना सा फर्क है, जो बूटिंग है हमारी वो अगर हमारा सिस्टम ऑन पड़ा है, फोन ऑफ पड़ा है, फोन ऑफ पड़ा है उसको हमने ऑन किया वो हो गया हमारा बूटिंग। अब रीबूटिंग क्या होगी, हमने ऑन सिस्टम जो है उसको दोबारा से ऑफ करके ऑन करना या फिर रीस्टार्ट करना है। रीबूटिंग को आप सिंपल ले सकते हैं रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट, रीबूटिंग क्या हो गया हमारा रीस्टार्ट। अब हम रीबूटिंग क्यों करते हैं, बूटिंग तो की भाई हमारा सिस्टम ऑन है, बैटरी डेड हो गई या फिर किसी वजह से भी न्यू लिया ऑन किया या फिर ऐसे ऑफ किया, बूटिंग की रीबूटिंग की जरूरत क्यों क्यों पड़ती है, या तो हमारा सिस्टम स्लो हो गया है या कभी कभी यह होता है ना इंडियंस के भाई नेटवर्क नहीं हो रहा, फोन स्विच ऑफ करके ऑन करो आ जाएंगे होता है ना, और होता भी है ऐसा, आते हैं सच्ची में, मैंने भी ट्राई किया हुआ है, ऐसा होता है। रीबूटिंग है रीस्टार्ट, या फिर हमारा कोई वायरस आ गया, वायरस नहीं कह सकते आप, हैंग कर रहा है आपका सिस्टम, हैंग कर रहा है, तो आप उसको दोबारा ऑन करोगे, ऑफ करोगे फिर ऑन करोगे, हो गया रीबूटिंग, ठीक है, क्लियर है। अब आ गया हमारा टाइप्स ऑफ बूटिंग, कौन कौन से हमारे टाइप्स हैं बूटिंग के, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, ठीक है, कौन कौन से हमारे टाइप्स हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि कोल्ड बूटिंग में और वार्म बूटिंग में क्या डिफरेंस है। कोल्ड बूटिंग का पहला पॉइंट है व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड बाय सिंपली स्विचिंग ऑन, हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, सिस्टम का, इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। उसके बाद क्या होता है, स्विच ऑन करने के बाद हमारा क्या होता है, लोड होता है उसमें बायस, क्या लोड होता है उसमें बायस। अब ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायस, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ साथ साथ में, जो भी आप बोल रही हूँ ना मैं
अगर मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी उसमें सब कुछ होगा, बट जो आपको मैं बोल रही हूँ ना वो कहीं ना कहीं जो है टीचर वो एक्स्ट्रा बोलता है, क्योंकि जो इंसान बोल रहा होता है वो कहीं ना कहीं नोट्स में नहीं मिलता, टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते बड़ा कुछ एक्स्ट्रा बोल जाता है, सो वो लिखते जाओ आप। सो बायस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। ये है हमारे बायस की डेफिनेशन। जब हम ऑन करते हैं क्या होता है हमारा कोल्ड बूटिंग में, हमारा बायस लोड होता है, हमारा बायस ही है जिसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है फिर बायस क्या करता है, बायस देखता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, व्हाट्सएप है प्रिपेयर है, ठीक है, फेसबुक है प्रिपेयर है, ये है। आज मैं तो इसी की एग्जाम्पल्स दूंगी, यही यूज करते हो सब, ठीक है। हर चीज़ अपनी जगह पे है, हर चीज़ सही है, यूज़ करने के लायक है या नहीं है, फिर वो क्या करता है इंस्ट्रक्शंस देता है माइक्रो प्रोसेसर को कि हाँ भाई करो अब स्टार्ट, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। ये किसका काम है देखना? बायस का। ये बायस लोड होगा फिर ही देगा। और वार्म बूटिंग में इतना सा फर्क है कि जो बायस है ना हमारा वो प्री लोडेड होता है, वो लोड नहीं होता। इसीलिए जो वार्म बूटिंग है वो फास्टर होती है हमारी कोल्ड बूटिंग से, ये फास्टर होती है हमारी कोल्ड बूटिंग से, बिकॉज बायस इज नॉट रीलोडेड, ठीक है, बायस जो लोड नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज हमने क्या पढ़ा, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है, बेसिक पढ़ा। उसके बाद सिलेबस डिस्कस किया, SI का क्या सिलेबस था, वेरियस फेसेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आएगा आपको, यूजेस ऑफ इंटरनेट आएगा, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आएगा। आगे क्या पढ़ा हमने, कंप्यूटर वर्ड पढ़ा, दो वर्ड्स से बनता है, कंप्यूट प्लस ER, कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट और ER, कोई भी कैलकुलेशन करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हमने, डिवाइसेस कौन कौन से आ गए, iPads, कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, कंप्यूटर पढ़ा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है कंप्यूटर की, ये फुल फॉर्म है, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ी हमने, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन वाज पर्पज, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, ठीक है। डिफरेंस पढ़ा आगे मॉडर्न में और उसमें कंप्यूटर में, और मॉडर्न कंप्यूटर वो है जो कैलकुलेशंस करता है सिंपल, और मॉडर्न वो है जिसमें आजकल सब कुछ चलता है, यूट्यूब वगैरह आपके जितने भी एडवांस फीचर्स होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। आगे हमने पढ़े कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हैं जिनको हम टच कर सकते हैं सब कुछ प्रॉपर, और सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। आगे हार्डवेयर की एग्जांपल्स हो गई, कीबोर्ड अपना, माउस वगैरह, प्रिंटर, और सॉफ्टवेयर की क्या हो गई हमारी एग्जांपल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कंप्यूटर के, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, सीक्रेसी, वर्सेटिलिटी, इंटेलिजेंसी, प्लग एंड प्ले, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमने पढ़ी बेसिक स्ट्रक्चरल डायग्राम पढ़ी, डाटा जाता है, प्रोसेसिंग होती है, CPU होता है, CPU के मेन वो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और आगे आउटपुट आती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी क्या, बूटिंग, बूटिंग पढ़ी, स्टार्टिंग अप ऑफ कंप्यूटर, 3 स्टेप्स होते हैं, स्विच ऑन होता है, लोडिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और एप्स को रेडी होता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रीबूटिंग पढ़ी, मतलब रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को, किसी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया उसको रीस्टार्ट करना। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बूटिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ बूटिंग पढ़ी, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज ये सब डिस्कस किया, ये था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप हमारा चैनल है यूट्यूब पे करियर फोकस का, उसको प्रॉपर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको अगर बेसिक्स में कुछ और भी पढ़ना है या नहीं, या फिर इतना ही रखना है। आगे नेक्स्ट हम करेंगे हिस्ट्री और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, फिर जब ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे हम फिर इनके बेसिस पे प्रॉपर क्वेश्चनिंग होगी, प्रॉपर MCQs प्रोवाइड करेंगे हम आपको। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो ये भी बताना वीडियो में, कमेंट सेक्शन में, कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ आया प्रॉपरली या नहीं, ठीक है।
थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी होगा आपको प्रॉपर बताया जाएगा. ठीक है, आप चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू.